नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, रक्षाबंधन का त्यौहार सदियों से मनाते आ रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रक्षाबंधन के दिन अपने घर में कौन सी सी चीज है जिसे ला करके रखना चाहिए, जिससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी हो, सारी इच्छा पूर्ण हो, आपकी गरीबी मिटे। तो कमेंट बॉक्स में छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, हैप्पी रक्षाबंधन भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखिए मित्रों, जो राखी फूल होता है, ध्यान दीजिएगा हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, इस प्रकार से होता है राखी फूल। इसे कई जगह ब्रह्म कमल कहा जाता है। तो जो व्यक्ति रक्षाबंधन के दिन राखी के फूल को, ध्यान दीजिए, इसके पौधे को घर में ला करके अगर लगाते हैं या इसके फूल ला करके अगर माँ लक्ष्मी को समर्पित कर देते, अर्पण कर देते, तो सारी इच्छा पूर्ण होते हैं, उसकी निर्धनता समाप्त हो जाती है। जो राखी का फूल होता है ये आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। राखी के दिन राखी के फूल लाकर के घर में स्थापित करने से धन की बढ़ोतरी होने लगता है, फिर दोबारा वह घर निर्धन नहीं होता, घर में रहने वाले सभी सदस्य धनवान बन जाते हैं। दूसरा उपाय बता रहा हूँ जो कि राखी के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। जो अपराजिता नाम के पौधा होता है, जिसका जो फूल होता है नीले कलर के, जो कि वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, इसे कई जगह विष्णुकांता कहा जाता है। इसे माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप बताया गया है और हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि अगर केवल इसके एक पुष्प सच्चे भाव से अगर माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दिया जाए तो माँ लक्ष्मी खुश हो जाते हैं। फिर आप जो भी आपके मन में मुरादे इच्छे हो, इस फूल को चढ़ा करके माँ लक्ष्मी से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन इसके पुष्प ला करके माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो इसके पौधे भी घर में ला करके लगाएं। इस पौधे को घर में ला करके लगाने से काफी हमारे घर धन दौलत से भर जाते हैं, हमारे घर से निर्धनता समाप्त होती है। तीसरे नंबर पे है लाल गुंजा। तो लाल गुंजा का बीज ला सकते हैं, अगर इसके फल मिले तो फल ला सकते हैं या पैसा भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो लाल गुंजा है तंत्र शास्त्र में से काफी पावरफुल पौधा बताया गया है, क्योंकि मैंने कई वीडियो में बताया कि इसे जमीन में गड़ा हुआ धन दिखाई देने लगते हैं, देवी देवता दिखाई देने लगते हैं। तो लाल गुंजा के पौधा अगर ला करके आप अपने घर में लगाते हैं, बालकनी में, आंगन में, कहीं भी जगह पे आपको जो सूटेबल लगे वहाँ पे लगाते हैं, तो घर में इससे धन वृद्धि होता है, लक्ष्मी खींचे चले आते हैं, घर को धनवान बना देते हैं, घर से नकारात्मक शक्ति उसे भगा देते हैं, खदेड़ देते हैं। तो हमने वीडियो में तीन उपाय बताए हैं, तीन पौधे के बारे में बताए जिसे ला करके आप अपने निर्धनता समाप्त कर सकते हैं राखी के दिन।